वेलकम टू अवर टेक्निकल फार्मा यूट्यूब चैनल। टुडे आई विल टीच अबाउट सार ऑफ सेफेलोस्पोरिन। ये है आपका 6 एम में आपको मेडिसिन केमिस्ट्री 3rd B फार्मेसी में दिया है। इसके पीछे ही वीडियो देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए इसका स्ट्रक्चर सेफेलोस्पोरिन का, ये जो रिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिंग है, बीटा लैक्टम रिंग और डायथाइड्रोजिरल रिंग। तो आप ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं पेनिसिलिन में भी वैसा ही था और यहाँ भी वैसी था, सिर्फ एक चेंजेस है। यहाँ पे 5th मेंबर रिंग्स थी और यहाँ 6th मेंबर रिंग है। तो अच्छे से देख लीजिए, हमें आगे जाकर चेंजेस करने हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा 7 अल्किल अमाइनो सब्सटीट्यूशन, मतलब 7 अल्किल अमाइनो मतलब 7 पोजीशन पर। तो द एडिशन ऑफ अमाइनो ग्रुप एंड हाइड्रोजन टू अल्फा एंड अल्फा 1 पोजीशन प्रोड्यूस बेसिक कंपाउंड। देखिए एडिशन ऑफ अमाइनो ग्रुप एंड अल्फा पोजीशन, एडिशन ऑफ अमाइनो ग्रुप करना है हमें एंड हाइड्रोजन ऐड करना है, किस पोजीशन पर? अल्फा एंड अल्फा 1 पोजीशन पर। एंड विच इज प्रोटोनेटेड अंडर द एसिडिक कंडीशन ऑफ द स्टमक, ये हमारे जो स्टमक की एसिडिक कंडीशन होती है वहाँ प्रोटोनेटेड होता है। एंड व्हेन द न्यू असाइल ग्रुप आर डिराइव फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड से जब न्यू असाइल ग्रुप डिराइव होता है, इट शो गुड स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबैक्टीरियल एक्शन ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। थर्ड पॉइंट है सब्सटीट्यूशन ऑन एरोमेटिक रिंग फिनिल दैट इंक्रीज द लिपोफिलिसिटी। सब्सटीट्यूशन एट एरोमेटिक रिंग मतलब हमने इस एरोमेटिक रिंग पर, ये देखिए ये नहीं, ये एरोमेटिक रिंग है, यहाँ ए आर लिखा है, एरोमेटिक रिंग का हमें कोई सब्सटीट्यूशन की द फिनिल दैट इंक्रीज द लिपोफिलिसिटी, जो फिनिल ग्रुप है मतलब जो एरोमेटिक ग्रुप है उसकी लिपोफिलिसिटी बढ़ जाएगी एंड प्रोवाइड हायर ग्राम पॉजिटिव एक्टिविटी शो करेगा एंड जनरली लोअर द ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी। द फिनिल रिंग इन साइड चेन, मतलब जो हमें साइड चेन में ही दिया गया फिनिल रिंग, एट रिप्लेस विथ अनदर हेट्रोसाइक्लिक, हमने अनदर हेट्रोसाइक्लिक से जो ग्रुप उसको रिप्लेस किया, तो विथ इम्प्रूव द स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी इम्प्रूव हो जाएगी स्पेक्ट्रम की, आपको नैरो स्पेक्ट्रम एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम, और आपको पता नहीं होगा तो मैं वीडियो बनाने वाला उस पर भी, तो आप देख सकते हैं। द फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी एंड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी एंड फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करता है। द एल आइसोमर ऑफ अल्फा अमाइनो एंड अल्फा 1 हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ सेफेलोस्पोरिन वाज 30-40 fold स्टेबल दैन डी आइसोमर, मतलब डी आइसोमर स्टेबल है 32 fold दैन, मतलब जो डी आइसोमर है कम, इससे कम है इट इज सेफेलोस्पोरिन, जो एल आइसोमर है सेफेलोस्पोरिन का, लियो रोटेटरी बोलते हैं हम इसे, तो 30-40 fold स्टेबल है ये दैन डी आइसोमर से, स्टेबल है एल आइसोमर स्टेबल दैन डी आइसोमर, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकंड है मॉडिफिकेशन इन C3 सब्सटीट्यूशन, C3 मतलब C3 पोजीशन, इस पोजीशन पर सब्सटीट्यूशन ऑन C3 पोजीशन। तो देखिए क्या होता है चेंजेस, द फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक डिपेंड ऑन C3 सब्सटीट्यूशन। फार्माकोकाइनेटिक मतलब ADME, एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन इलिमिनेशन, एंड फार्माकोडायनेमिक मतलब उसमें आपका जो एडवर्स इफेक्ट वगैरह जो आता है सब कुछ, मैकेनिज्म एक्शन वगैरह सब उसमें आ जाता है। तो डिपेंड है किस पर, C3 पोजीशन पर, आपने सेफेलोस्पोरिन ड्रग दिया तो। द बेंजोइल इस्टर डिस्प्लेस इम्प्रूव ग्राम पॉजिटिव एक्टिविटी, बेंजोइल ग्रुप आपको जो बेंजोइल ग्रुप आपने यहाँ किया तो ये क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी, लोअर कर देगा। एंड थर्ड है पायरिडीन इमिडाजोल रिप्लेस एसिटॉक्सी ग्रुप बाय अजाइड आयन यील्ड डेरिवेटिव विथ रिलेटिव लो ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी। फोर्थ है ओरली एक्टिव कंपाउंड आर प्रोड्यूस बाय रिप्लेसमेंट ऑफ एसिटॉक्सी ग्रुप एट C3 पोजीशन विथ CH3 एंड CL। C3 पोजीशन के साथ साथ हमने CH3 और CL के साथ एसिटॉक्सी ग्रुप को रिप्लेस किया
तो ओरल एक्टिविटी ओरल ओरल एक्टिव कंपाउंड आर प्रोड्यूस बाय ओरल एक्टिव कंपाउंड प्रोड्यूस हो जाएगा बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ एसिटॉक्सिक ग्रुप पर हमने सी थ्री पोजिशन पर सी एच थ्री और सी एल ऐड किया तो ये है सेकेंड मॉडिफिकेशन. थर्ड है द अदर सब्स्टिट्यूट अदर मॉडिफिकेशन मतलब कुछ अदर जो बाकी रह गए. ओ मिथॉक्सी ग्रुप एट सेवन पोजिशन सी सेवन पोजिशन पर मिथॉक्सी ग्रुप शो हायर रेजिस्टेंस मतलब जो बैक्टीरिया का रेजिस्टेंस है उस पे हायर रेजिस्टेंस टू हाइड्रोलाइज बाय बीटा लैक्टामेज मतलब बीटा लैक्टामेज क्या करता है एंजाइम है बीटा लैक्टामेज रेजिस्टेंस. द रिप्लेसमेंट ऑफ सल्फर विथ ऑक्सीजन सल्फर जो मेन रिंग है इस तरफ लेफ्ट साइड में नहीं लेफ्ट नहीं बोल सकते राइट साइड में तो सल्फर विथ ऑक्सीजन लीड्स टू ऑक्सीसिपैम ऑक्सासिपैम तो उसे हम लट्टम ऑक्सेट भी कहते हैं एंड विथ इंक्रीज द एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी. रिप्लेसमेंट ऑफ सल्फर ग्रुप को आपको रिप्लेस करना है ऑक्सीजन से तो आपको एक्टिव बैक्टीरियल एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज ऑफ इनहेंस द एसिडाइलेटिंग पावर इंक्रीज हो जाती है. द ऑक्सीडेशन ऑफ रिंग स्पेक्ट्रम टू सल्फोक्साइड और सल्फोन ग्रेटली डिमिनिश ऑक्सीडेशन ऑफ रिंग स्पेक्ट्रम आपने ऑक्सीडेशन रिंग स्पेक्ट्रम में जिसकी एक्टिवेशन की ऑक्सीडेशन किया तो टू सल्फोक्साइड मतलब इसमें सल्फोक्साइड में और सल्फेनोन में ग्रेटली डिमिनिश ज़्यादा कम हो जाएगी एक्टिविटी और डिस्ट्रॉय द एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी मैंने बताया कि एक्टिविटी कम हो जाएगी. द कार्बोनिल ग्रुप पोजिशन फोर हैज़ बीन कन्वर्टेड इन टू द ईस्टर ईस्टर प्रोडक्ट टू इंक्रीज द वायबिलिटी ऑफ सेफेलोस्पोरिन एंड दिस कैन बी गिवन ओरली एज वेल मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप पोजिशन नंबर फोर आपने पोजिशन नंबर फोर पर कन्वर्जन किया इंटू ईस्टर प्रोडक्ट टू इंक्रीज द वायबिलिटी मतलब ईस्टर से कन्वर्जन किया आपने वायबिलिटी ऑफ सेफेलोस्पोरिन की बढ़ जाएगी आपने ओरली लिया था. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए लोगों पर क्लिक करके सब्सक्राइब बटन भी दबा दीजिए और उसके बाजू में आपको ऊपर लेलेज दिख रही है और उसके नीचे आपको प्रीवियस वीडियो